ये है बस स्टैंड और ये है बनारस जाने वाली बस, जिससे हम जाएंगे बनारस टाटा नगर से। और चलिए थोड़ा इसके अंदर आपको दिखाते हैं। ये है नीचे का चेयर कार और ये ऊपर का सोने का है। इधर दो लोग का, इधर सिंगल पर्सन, तो हम तो ठहरे सिंगल आदमी तो अपने लिए इधर ही वाला है। और ये नीचे का चेयर कार टाइप का है, बैठते हुए जाइए। ये रहा हमारा सीट। इधर भी ग्लास है, ठीक है। अब ट्रेन जितना कंफर्टेबल तो नहीं होगा लेकिन चलेगा। तो चलिए इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे कैसा लगता है, क्या मज़ा आता है, कैसा है, क्या है। टीवी भी है, चलने के बाद पता चलेगा कि ये चलता है कि नहीं चलता है। और एसी का वेंट यहाँ बंद और क्लोज़ करने के लिए कुछ ऐसा दे रखा है, इधर करेंगे तो एसी वेंट खुल जाएगा, ऐसे कर देंगे तो बंद हो जाएगा। और मेरा चार्जिंग सॉकेट ख़राब लग रहा है मुझे, अभी सही, बाकी तो ठीक लग रहा है, इसका ख़राब लग रहा है। तो इस वीडियो में आपको सफ़र देखने को मिलेगा बनारस से, अरे बनारस जाने का टाटा नगर से। पिछली बार अपन ट्रेन से आए थे और अब की इस वीडियो में आपको बाय रोड बस का आनंद लेते हुए जाने का मौका मिलेगा मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं अब की बार का कैसा होता है सफ़र। और 5:30 बजे टाइम है इस बस का, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। अच्छा ही है जल्दी आने से, भी ठीक है, थोड़ा देखते हैं वैसे भी क्या ही करते हैं। तो जैसा माहौल दिख रहा है बाकी देखते हैं सफ़र में कैसा रहता है, कितना मज़ा आता है, कितनी दिक्कतें होती हैं, सब एकदम इस सफ़र में आपको दिखने वाला है। ये है बस की एंट्री, वेलकम। और बस में सुविधाएं क्या क्या हैं, एसी, स्लीपर, वाईफाई, देखते हैं वाईफाई है कि नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल चार्जिंग मेरा वाला सॉकेट शायद ख़राब है। 2x1 एसी, स्लीपर, बाकी मैं सब बताता हूँ अंदर जाने के बाद क्या है कैसा है। ये नीचे की सीट, इसका कुछ आप लोग को दिखाता हूँ मैं कैसा लगता है यहाँ बैठने के बाद। ये यहाँ पे फिर वही एसी का वेंट है और ये चार्जिंग सॉकेट है, ये शायद चार्जिंग ऑन ऑफ है, बाकी देखते हैं क्या है। नहीं, ये लाइट है, सॉरी ये लाइट है यहाँ पे। और ऐसा कुछ चेयर है, बाकी मैं बैठ के बताता हूँ क्या है कैसे है। यहाँ आगे थोड़ा सा जगह दिया है पैर रखने के लिए, आगे वाली सीट है उसके लिए। और ये आपका ऐसे पीछे की तरफ पुल करने पे इसमें ये ऐसे उठता है। और ये सीट को रिक्लाइन करने के लिए यहाँ से प्रेस करने का है, तो ये रिक्लाइन होता है पीछे। इलाज उला के आराम है, जा सकता आदमी, मतलब ये सफ़र तो ज़्यादा टाइम पे 12 घंटे का हो जाएगा, लेकिन फिर भी आदमी कर सकता है, आराम है। मेरी हाइट 6 फीट है, फिर भी मैं एडजस्ट हो जा रहा हूँ। थोड़ा सा और छोटा आदमी रहेगा तो ये जो फुट रेस्ट दिया है यहाँ पर, वो थोड़ा और आराम है, मतलब थोड़ा उसको और आराम रहेगा। अब इसमें मेरे को थोड़ा वो उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और मेरी सीट पीछे है ऊपर वाली, तो उसका रिव्यू मैं जब जाऊँ जब चलूँगा तब दूंगा। चलिए फिर आगे दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर जो सामान है वो रखा जाता है गाड़ी के डिक्की में, तो कैसे पॉसिबल है कि यात्री खुद अपने सामान की रक्षा करेगा। और इसमें ये देखिए कैमरा भी है इस गाड़ी में, अब ये चलता है कि नहीं वो तो गाड़ी का ओनर बता सकता है, हमें तो नहीं पता। एक मिनट में लाइट जलाता हूँ थोड़ा। हाँ ये कैमरा है, चल दिया है। ये ऊपर वाली सीट है मेरी, लेकिन अभी मैं नीचे बैठा हूँ। और अब मेरे को लग रहा है बस आधी ही भरी है। और ये यहाँ कर्टन वर्टन है, बारिश भी हो रही है, बाहर बहुत उजाला है, मगर अंदर अंधेरे क्योंकि कर्टन वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे मैं नीचे बैठ के, मतलब नीचे बैठ कर देखो कंफर्टेबल है।
कंफर्टेबल सेंस ठीक है, और बहुत ज़्यादा नीचे कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ यंग लोग के लिए सही है, नीचे बैठ के आदमी जा सकता है। बाकी जो इसमें वाईफाई का सुविधा के बारे में मैंने बताया था कि इसमें वाईफाई की सुविधा है बस पे लिखा हुआ, तो वो एकदम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और हल्का हल्का बारिश भी हो रही है, अभी लग रहा है अभी रुक गई है। थोड़ा सा मैं आप लोग को सीन भी दिखाते हुए चलता हूँ, कैसा है। बारिश होने से पेड़ पौधे और साफ सुथरे लग रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रहा है। रांची पार करेंगे, बच गए हैं 9:30, तो मैं ऊपर आके सो गया हूँ। और मेरी हाइट आप लोग जान ही रहे हैं कि लगभग 6 फीट है, और मैं एकदम मतलब नेट टू नेट एडजस्ट हूँ, और इसकी हाइट 6 फीट तक है, उसके लिए ये ऊपर वाली सीट सही है। बाकी अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है तो थोड़ा सा आपको पैर मोड़ना पड़ेगा। मैं एकदम मतलब एकदम 1 इंच मेरे जगह नहीं, ना इधर ना इधर, एकदम परफेक्ट फिट हुआ हूँ मैं इसमें। अगर 6 फीट तक की हाइट है तो बाकी सीट छोटी है, उसमें दिक्कत नहीं है, जस्ट एक ट्रेन के कंफर्टेबल है। अब सोते हुए सफर काटेंगे और सुबह बनारस। गुड मॉर्निंग, सोने में ठीक रहा, मज़ा ही मज़ा था। सुबह हो गए थे, हम बगल से मैं व्यूज देख सकता हूँ, ट्रेन जितना तो मज़ा नहीं था। फिर भी बात यह है क्योंकि ट्रेन में कंफर्टेबल रहता है, बस कूद रही तो हम भी ऐसे से कूद रहे, तो ट्रेन जितना मज़ा नहीं था। अगर मौका मिले तो ट्रेन से ही जाइए, मजबूरी है तो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी पहले से आराम था। और क्या क्या सुविधाओं का क्लेम किया गया था बाहर गाड़ी पे, आपने देखा था वाईफाई, एसी, चार्जिंग पॉइंट और भी बहुत कुछ। तो एसी इसमें था, चार्जिंग पॉइंट इसमें था, बट इसमें वाईफाई नहीं था। वाईफाई का झूठा क्लेम किया है, सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आप ये इसमें बोला गया था, सीसीटीवी कैमरा है वो चलता है या नहीं चलता है वो नहीं पता। टीवी 2 लगा था मैंने, दिखाया था, बट वो चला नहीं पूरी रात, तो मुझे लगता है कि वो भी खराबी है। तब जब हम चढ़ रहे हैं तब से लेकर अभी तक वो भी नहीं चला, तो वो भी मतलब मुझे लगता है खराब है। अभी भी कैमरे में दिख रहा हो तो मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेन जितना खराब नहीं है, बट हाँ पहले से बसेस में सुविधा हो गई है, आप आना चाहें तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेन जितना कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। हाँ ये यहाँ गद्दा लगाया कि सर्वर लड़े ना, बाकी सब ठीक है। चलिए बनारस, मुझे लग रहा है वो 15-20 मिनट में बनारस पहुँच जाएंगे। बनारस में एंट्री ले लिया, बस स्टॉप पर हम पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या रहता है कैसे रहता है। तो इधर आवाज़ को आपको क्लियर आएगा नहीं, थोड़ा सा लाउड है बस में। और मैं अब बनारस से निकल जाऊँगा के लिए, और ये एक नॉर्मल जनरल की मतलब गवर्नमेंट की जनरल बस है, एसी जनरल, और इससे मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे को 5-6 घंटे लगेंगे गोरखपुर जाने के। फिर उस ट्रेन का रिव्यू, उस बस का रिव्यू तो मैंने दे दिया है, बाकी आप जुड़े रहिए। घर पहुँच के मैं एक क्लिप और इसमें ऐड करूँगा, और मैं आप कोई क्लिप बनाने नहीं वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ पूरा रेस्ट। हेलो, तो हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर, और मैं नहा वाली हूँ, एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, और अभी बज रहे हैं 2। नहाने वाने में मैं 1 बजे में मैं यहाँ पहुँच गया था, और नहाने वाने सब में सब कुछ करके 2 बज गए हैं। खाना वाना भी मैंने खा लिया है, और अब थोड़ा सा सोच रहा हूँ रेस्ट कर लूँ। बेटा टॉवल इधर क्यों फेंक दियो, कोने में रख दियो आराम से, इधर कपड़ा।
ओहो हाँ, थोड़ा तावल वाला भी मैं हटाया नहीं वीडियो के चक्कर में कि मैं वीडियो बना देता हूँ और ये मेरी मम्मी मेरे को वीडियो में ही टोंट मार दी, तो जाने दी, अब मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही डालते हैं। और प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे वीडियो आने की। ओके, जय हिंद।